चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, उड़ा के निंदियां कहां तू चली। दोस्तों, ये गाना सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में एक ही नाम आता होगा, कुमार सानू का। कुमार सानू को तो आप जानते होंगे, जो कि 90s के हीरो थे। यानी कि 90s में उन्होंने इतने गाने दिए कि शायद ही कोई सिंगर दे पाए। और इनके नाम एक गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है, वो क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप कुमार सानू को जानते हैं तो आप उनके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुमार सानू की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको कुमार सानू के गाने पसंद है या कुमार सानू पसंद है तो इस वीडियो कर देना लाइक। कुमार सानू का रियल नेम केदारनाथ भट्टाचार्य है और प्यार से इन्हें सानू दा भी बुलाते हैं। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ और 2021 के हिसाब से 64 साल के हैं। दोस्तों, कुमार सानू के पिता भी एक संगीतकार थे, जिनसे कुमार सानू ने म्यूजिक और तबला के बारे में सीखा। और मैं आपको बता दूं, कुमार सानू ने बीकॉम की डिग्री ली हुई है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। और कुमार सानू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1986 में बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की, जिसके बाद वे अपना करियर बनाने कोलकाता से मुंबई चले गए और 1989 में बॉलीवुड फिल्म हीरो हीरा लाल के लिए सॉन्ग जिसने मोहब्बत गाया। और मुंबई में फिर कुमार सानू फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जगजीत सिंह से मिले, और जगजीत ने उन्हें कल्याण जी और आनंद जी से मिलवाया और इन्होंने कुमार सानू की आवाज सुनी, जो कि इन्हें काफी पसंद आई। और पहली मुलाकात में इन्होंने कुमार सानू को नाम बदलने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू कर लिया। और कल्याण जी और आनंद जी ने कुमार सानू को मौका दिया 1989 में फिल्म जादूगर में गाना गाने के लिए। और फिर 1990 में इन्होंने हिट फिल्म आशिकी के लिए लगभग 9 गाने गाए, जिसके बाद कुमार सानू रातों रात सुपरस्टार बन गए। और फिल्म आशिकी में अपनी आवाज देने के लिए इन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया, जिसके बाद कुमार सानू को लगातार 4 बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला, फिल्म साजन, दीवाना, बाजीगर और 1942 आ लव स्टोरी के लिए। दोस्तों, 90s की फिल्मों में शायद ही ऐसा कोई सॉन्ग हो जिसमें कुमार सानू ने अपनी आवाज ना दी हो। और 2009 में कुमार सानू को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और कुमार सानू ने एक दिन में 28 सॉन्ग गाने का रिकॉर्ड बनाया, और आज तक कोई भी ये सिंगर रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। एक दिन में 28 गाने गाकर कुमार सानू ने अपना नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवा रखा है। और 90s के दशक में अपनी आवाज से मदहोश करने वाले कुमार सानू ने बदलते वक्त के साथ संगीत से अपनी दूरी बना ली थी, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई भी गाना नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन कुमार सानू ने 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ के गाने छम्मक छल्लो से वापसी की, जिसके बाद 2015 में आई फिल्म दम लगा के आयशा में उन्होंने अपनी आवाज दी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कुमार सानू का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको कुमार सानू की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है पशुपति भट्टाचार्य, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर थे। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कुमार सानू के मदर। और कुमार सानू के एक ब्रदर भी है जिनका नाम है टापन भट्टाचार्य। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुमार सानू ने 2 शादी कर रखी है। इन्होंने पहली शादी रीता से की थी, लेकिन इन दोनों का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी सालोनी सानू से की। और इनके 2 बेटी और 1 बेटा है, और इनकी बेटी का नाम है अन्ना और दूसरी बेटी का नाम है सैनन के। और इनके बेटे का नाम है जान कुमार सानू, जिनको आपने बिग बॉस 14 में देखा होगा। बात करें कुमार सानू के हाउस के बारे में, तो दोस्तों कुमार सानू का 4 BHK अपार्टमेंट है गोरेगांव मुंबई में, जैसा कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। और इसके अलावा इनका कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी घर है, जहाँ पर वो अक्सर जाया करते हैं। वहीं बात करें कुमार सानू के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार है टोयोटो इनोवा, जिसकी कीमत है लगभग 20 लाख रुपये। और दूसरी कार इनके पास है पजेरे स्पोर्ट, और इस कार की कीमत है 35 लाख रुपये। और तीसरी कार इनके पास है टोयोटा हियास, और इस कार की कीमत है 35 लाख रुपये। और लास्ट कार इनके पास है रेंज रोवर इवोक, और इस कार की कीमत है लगभग 65 लाख रुपये। अब बात करते हैं कुमार सानू के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुमार सानू एक सॉन्ग गाने के लिए लेते हैं 15 लाख रुपये, और ज़्यादातर इनके इनकम लाइव कंसर्ट और शोज से होती हैं। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 116 करोड़ रुपए। तो ये थी कुमार सानू की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।